हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के 3-4 क्वेश्चन को लेके उनका आंसर वीडियो बना रही हूँ। और अक्सर आप लोग की रहती है कि मैम आप वीडियो बहुत लंबे बनाती हैं, तो ओके आई विल ट्राई कि मैं जो हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट वीडियो बनाऊँ, जिससे एंड एक्चुअली जो क्वेश्चंस है ये सब सब्सक्राइबर जो भी न्यू है उनकी क्वेश्चंस है। लाइक पहला क्वेश्चन है मैम स्टार सीड क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन अबाउट द चक्रास है, एंड थर्ड क्वेश्चन अबाउट द अवेकनिंग है। तो वैसे तो ऑलरेडी मेरे सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, लेकिन अब मैं इन सेम इन वीडियो को अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बनाऊँगी, तो हो सकता है कि जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, और आई थिंक ओल्ड सब्सक्राइबर्स के लिए भी कुछ इसमें नया होगा। देखिए, सबसे ये जो आपके अक्सर क्वेश्चन आते हैं जो नए सब्सक्राइबर, मैम ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, तो ट्विन फ्लेम्स का तो ऐसा है कि मैं अपने चैनल पे आप जाइए, सबसे पहला वीडियो व्हाट इज ट्विन फ्लेम पे है वो देखिए, 200-250 के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा आपको मेरे चैनल पर, बट बहुत अच्छे से मैंने समझाया है ट्विन फ्लेम्स पे। और स्टार्टिंग में काफ़ी सारे वीडियोस इनर वर्क चक्रास पे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उस पे वीडियो हैं, तो आई थिंक आप लोग देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन था अभिजीत जी का, अभिजीत सुप्पा आपका नाम था, उन्होंने पूछा मैम स्टार सीड्स क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी जितनी भी जानकारी है उसके हिसाब से दे रही हूँ। वैसे तो मैंने पहले सुना था कि कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स के बच्चे हो जाते हैं तो उनको हम लोग स्टार सीड्स बोलते हैं, रेनबो चाइल्ड, इंडिगो चाइल्ड, इस प्रकार से बोलते हैं। बट द फैक्ट इज दैट कि जो स्टार सीड्स होते हैं ये भी एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स ही होते हैं, और ये कह सकते हैं कि दे आर एक्चुअली स्पेशल सोल्स विद देयर स्पेशल पर्पस। मतलब इनकी भी जो लाइफ होती है वो ट्विन फ्लेम्स की तरह बहुत स्ट्रगल वाली होती है, जैसे हम लोग का बचपन बहुत स्ट्रगल वाला होता है, और हमको भी जैसे हमारे पर बहुत बड़े होने पर भी लोग बहुत उंगलियां उठाते हैं, बहुत नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, तो इनको भी इस प्रकार से समाज में रखा जाता है कि ये बस पसंद करते कि इससे तो अच्छा है कि हम अपना आउट ऑफ द वर्ल्ड से कट ऑफ ही हो जाए, तो फिर ये अपने आप को वर्ल्ड से कट ऑफ करके अकेले रहना पसंद करते हैं, और तभी ये यूनिवर्सल एनर्जी को कनेक्ट करते हैं और इनको पता चलता है कि ये स्टार सीड्स है। बेसिकली स्टार सीड्स को अपने आप नहीं पता चलता कि वो स्टार सीड है, बट जब कुछ इस प्रकार से उनकी जर्नी चलती है इतनी टफ, एंड जब उनकी अवेकनिंग होनी होती है, तो दे कम टू नो कि ओके आई एम स्टार सीड, और उनका स्पेशल पर्पज़ होता है, जैसे हमारा पर्पज़ है, उनको समझ में नहीं आता कि हमको लाइफ में करना क्या है, हमको किस फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, दे आर जस्ट कन्फ्यूज, वो कहीं के भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनको स्पेशल पर्पज़ के लिए गॉड ने चुना होता है, गॉड के बहुत ही फेवरेट होते हैं, गॉड का उन पर बहुत असीम कृपा होती है। ठीक है, तो इतना मेरी जानकारी है स्टार सीड्स के बारे में। इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन भी ले लेती हूँ, आपने पूछा अवेकनिंग के बारे में या चक्रास पहले ले लूँ। चलिए पहले मैं अवेकनिंग का जो आपका आंसर है कुछ अपने से कनेक्टेड बताती हूँ मेरी जर्नी का, क्योंकि ये मैंने कभी भी किसी वीडियो में अपनी अवेकनिंग के टाइम पर मैं कैसा फील करती थी ये नहीं बताया अब तक, तो ये बताती हूँ। जब मेरी अवेकनिंग हो रही थी, जब मुझे नहीं पता था कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ, मुझे एकदम से बहुत सारे हेडेक्स होते थे। उस वक्त मेरा सेपरेशन फेज नहीं शुरू हुआ था, आई वॉज इन माई बबल फेज ओनली, बट नॉट कहेंगे बबल फेज, इट वॉज अ कस्प ऑफ बबल फेज एंड सेपरेशन फेज, जबकि बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, तो बहुत मतलब नेगेटिविटी हो रही थी रिलेशन में, तो बहुत ज़्यादा मुझे हेडेक रहता था, और बहुत ही क्या कहूँगी हेडेक सा फील होता था, एंड एन्जाइटी सी फील होती थी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है,
तो जब भी मैं अपना रूटीन चेकअप करती थी, मैंने ECG भी कराया, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, तो मैं कहा ये क्यों ऐसा हो रहा है, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। और मुझे तो मुझे लगा कि हमारे रिलेशनशिप में इतना टेंशन है इसलिए हेडेक हो रहा होगा, एनजाइटी हो रही होगी, आई वॉज जस्ट थिंकिंग लाइक दिस। काफ़ी दिस ग्रेजुअली वेट गेन सा भी होने लगा, फिर ग्रेजुअली क्योंकि उस वक्त बहुत स्ट्रेस में थे बहुत ही ज़्यादा, तो वेट गेन जैसा हो रहा था। और जब सेपरेशन हो गया उसके बाद तो लिटरली हेयर फॉल बहुत हुआ, ड्राइनेस हेयर में हो गई लाइक दिस, मेरी स्किन भी बहुत अजीब सी लग रही थी, लाइक आई वॉज जस्ट, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मेरी फूड हैबिट्स चेंज हो रही थी, तो ये तो कुछ फिजिकल चेंजेस जो मेरे में आ रहे थे उस वक्त, और एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि ऐसा क्यों है। लेकिन जैसे जब मैं मेरी अवेकनिंग चालू हुई, जब मुझे पता चला कि मैं इस जर्नी में हूँ, ग्रेजुअली मेरी इंट्यूशन पावर थी जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब मैं किसी भी इंसान को मिलकर आराम से उसकी फेस रीड कर लेती थी कि इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है लाइक दिस। और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग सी होती थी कि मुझे अब जैसे मुझे पता चल गया कि आई एम अ ट्विन, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने की, ये भी जानना है वो भी जानना है, बहुत लर्न करने का मन करता था, एंड एक नॉलेज की भूख सी मुझे हो गई थी। और आई थिंक ये जो भूख थी उसने मुझे बहुत हेल्प किया उस सेपरेशन फेज को क्रॉस करने में, क्योंकि डिवाइन को तो सरेंडर में मतलब बचपन से ही, मैं भगवान की बहुत मतलब मेरे फेवरेट थे वो, तो गॉड को तो सरेंडर में थी ही, साथ में जो ये नॉलेज की भूख थी ना कि ये भी जानना चाहिए, ये पता होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए, इस भूख ने मुझे बड़ा हेल्प किया एंड ये चीज़ एकदम से मुझे बढ़ गई। जब मेरी नॉलेज की भूख बढ़ने लगी तो मैं कहीं ना कहीं मैंने देखा कि मैं वर्ल्ड से कट ऑफ हो रही हूँ, लोगों से, मेरा फ्रेंड सर्कल से मैं कट ऑफ हो रही हूँ, मुझे अपने दोस्तों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। मतलब हमारे हर प्रकार के फ्रेंड्स होते हैं, किटी फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। या समझ लीजिए कि जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी होते थे बहुत सारे, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स खोल के भी नहीं देखती थी, मतलब थाउजेंड थाउजेंड में चले जाते थे कि, और मैं को खोल के देखने तक का मन नहीं करता था। कोई किसी फ्रेंड को कॉल करने का मन नहीं करता था, किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए तो ऐसा लगता जल्दी से जल्दी बात ख़त्म हो जाए। जैसे पता नहीं मुझे अकेले रहना क्यों अच्छा लग रहा था, आई डोंट नो, उस वक्त मतलब ऐसी फीलिंग हो रही थी, और जो कि होती है, किसी से बात करने का मन नहीं। लेकिन हाँ, अगर DM का फ़ोन आ जाए तो बसंती की तरह, बसंती की, वो मुझे बसंती बोलते थे, बसंती की तरह बात करना, मतलब ऐसा लगता था कि किसी से बात नहीं करना, सिर्फ अपने DM से बात करना, और DM से बात करना मतलब कि दुनिया की हर एक बात बतानी है। जब लोगों का फ़ोन आया तो लगता था कि जल्दी से जल्दी ये फ़ोन रखें, बात ख़त्म हुआ। आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड एटीट्यूड, बट उस टाइम पर मैं क्या करती, ऐसा था, हो गया था ऐसा कुछ चेंज, आई वॉज हेल्पलेस। देखिए अगर DM से बात हो तो उसको दुनिया की हर चीज़ बतानी है, हर चीज़, मतलब किसी प्रकार से ऐसा लगता था कि जितनी देर वो बात कर रहा है उतनी देर हम लोग जुड़े हुए हैं, बस इतनी ही। मैं बोलती भी थी कि जितनी देर हम लोग बात कर रहे हैं बस इतनी ही मैंने ज़िंदगी जी ली, बस उतने ही पल ऐसा लगता था कि भले ही हम लोग फ़ोन पर बात कर रहे हैं बट ऐसा लगता था कि बस इतने ही पल हम लोग साथ खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, हम लोग साथ हैं और हमारे बीच में कोई भी नहीं है, ये फीलिंग होती थी कि जितनी देर मैं आपसे बात कर रही हूँ उतनी देर ही बस आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं कि बस यही ज़िंदगी है, इतनी ही ज़िंदगी है और उतना ही पल हम लोग साथ बिता रहे हैं, और उसके बाद हम लोग वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, लेकिन इसके अलावा किसी से बात करने का मन नहीं करता था। ठीक है, फिर लेकिन जहाँ सेपरेशन फेज जब चालू हो गया था, देखिए एक्चुअली ऑफ एंड ऑन उनका फ़ोन आता था, इसलिए मैं बीच में बात भी हुई थी, ऐसा नहीं है, झगड़ा भी हुआ, बात भी हुआ, सब चीज़ें, मतलब मेरा एज सच ब्रेकअप बहुत ही टिपिकली ब्लॉक वाला नहीं हुआ, क्योंकि मेरी DM को ब्लॉक करना पसंद बिल्कुल नहीं था, और ये मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में बताया हुआ है। काफ़ी सारे मुझे रैशेज, जब जैसे जैसे मैंने चक्रास करना चालू किया था तो मुझे काफ़ी सारे रैशेज स्पाइन की तरफ बहुत फील हो रहे थे, तब मैं नहीं समझती थी कि ये रैशेज वगैरह क्यों हो रहे हैं,
इस प्रकार से, और बहुत, और अब जब, और उस वक्त मेरे को सपने में हमेशा या तो शिव जी दिखाई देते थे या हनुमान जी, ये कहते हैं कि हनुमान जी भी शिव जी का ही एक रूप है। तो इस प्रकार से मुझे सपने आते थे। तो ये कुछ मोमेंट्स मुझे याद है मेरे अवेकनिंग के। तो आई थिंक ऐसा ही अवेकनिंग में अक्सर होता है। और आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आगे अवेकनिंग के साइन एंड सिम्टम्स पर एक स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बना दूँगी। तो ये तो मेरा दो क्वेश्चन हो गए सब्सक्राइबर के, स्टार सीड एंड अवेकनिंग, माई अवेकनिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट वाला वीडियो मैं अभी ही अपलोड करूँगी चक्रास के ऊपर, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं चक्रास को बैलेंस, हील एंड एक्टिवेशन कैसे करना चाहिए। तो वो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपलोड करूँगी। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन्जॉय करिए। And please like, share, subscribe my channel and press the like bell icon for the next updates. Theek hai dosto, God bless you all, love you all, take care.